बोले भंडारी, आज दिनांक 3 अगस्त 2023 है। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी मैं ईश्वर अल्लाह गॉड वाहेगुरु बुद्धम अवतार बाबा जी को नमन करता हूँ। ईश्वर तो सबका भला कर। ये देखिए हमारी मिशन ग्रेट इंडिया, एक आंदोलन, महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट, ये सारा हम बोलते रहते हैं। ध्यान, प्रार्थना, प्रभु स्मरण, वेजिटेरियन, 10% डोनेशन, वीकली मंथली गैदरिंग, ग्रेट इंडिया इक्वेशन, ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट, ग्रेट इंडिया कमेटी, ग्रेट इंडिया पार्लियामेंट, ये हमारा होमोजीनियस सोसाइटी। मैं इसके बारे में आप लोगों को बोलता ही रहता हूँ। एक बहुत अच्छे YouTube चैनल है 4PM, YouTube चैनल 4PM, इसके संचालक हैं श्री संजय शर्मा, बड़े बोल्ड आदमी हैं। कोई रिपोर्टर ऐसी रिपोर्टिंग कर सकता है सोच करके दिल को बड़ी तसल्ली मिलती है, उन्हें सैल्यूट करने का मन करता है। अभी सुबह 7:07 हुए हैं, मैं उछल पड़ा, अरे वो सिंक्रोनिसिटी भाई, अच्छे दिन तो नहीं आ रहे। संजय शर्मा जी बोल क्या रहे थे, उनका वीडियो का हेडिंग था, सबको अंदर से तो पढ़ने का इतना समय नहीं मिलता, यही तानाशाही मोदी को कर देगी सत्ता से दूर, इतने उच्च प्रकार के रिपोर्टर भी अभी यही सोच रहे हैं कि यही तानाशाही मोदी को कर देगी सत्ता से दूर। क्या सत्ता से दूर करेगी? उसने क्या क्या कर दिया है आपको? तो अभी सत्ता की पड़ी है कि सत्ता से दूर कर देगी। इन्होंने देश में क्या क्या कर दिया है अभी आप जैसे लोगों को भी पता नहीं है, संजय शर्मा साहब जैसे अद्भुत पत्रकारों को पता नहीं है, दूसरों को क्या हाल होगा। इस मोदी ने देश का क्या कबाड़ा बनाकर रख दिया अभी दुनिया को पता नहीं है? अभी तो रोटी पानी मिल रहा है, जब इसके नेट रिजल्ट आएंगे, आ रहे हैं, सामने खड़े हैं, तब देखना क्या होता है। अनइमेजिनेबल रिजल्ट हैं इसके। लेकिन देश के 140 करोड़ लोगों पर कहीं जो नहीं रंग रही कि भाई ये सारा सिस्टम हमको कहाँ लेकर ले जाकर छोड़ेगा, और ये मोदी हमें कहाँ ले जाकर छोड़ेगा, मोदी नहीं, आप और हम अपने आप को कहाँ ले जाकर छोड़ेंगे? यह मोदी तो बेचारा मोदी है, ये तो अनपढ़ सा मोदी है, ये तो ना समझ सा मोदी है, इसको तो नौकरी पर बिठा रखा है, और ये समझता है मैं हीरो बन गया। सोच लो देश के लोगों, सोच लो बड़े बड़े पैसे वाले, सोच लो धर्माध्यक्ष, सोच लो राजनीतिज्ञ, सोच लो जज लोग, सोच लो एक नहीं बचेगा इस देश में। हम एक ऐसी भयानकता की तरफ बढ़ रहे हैं, एक नहीं बचेगा, एक का मतलब ज़्यादातर मारे जाएंगे। हम ऐसी भयानक अंधी दौड़ लगा रहे हैं, जिस खाई में गिरने का तो रास्ता है, बाहर निकलने का रास्ता नहीं है। ऐसी खाई में हम गिरेंगे
गिर नहीं वाले हैं, जिसको देखो जो अपनी खाल बचाने में लगा हुआ है। अरे भाई क्या बोलें, इन्हीं लोगों से कांटेक्ट कर ले। उस नासा का मुकाबला, उस एनएसए का मुकाबला कौन करेगा, उस यूएपीए का मुकाबला कौन करेगा? भाई हमारा तो खत्म उम्र निकल जाएगा। बच्चे की फीस भरनी है, इधर बिजली का बिल चुकाना है, इधर ये काम इधर ये काम, हमें नहीं बोलना। और ऐसे हमें नहीं बोलना करते करते 140 करोड़ नहीं बोल रहे। इसलिए सारे मारे जाएंगे, ज़्यादातर मारे जाएंगे। क्या अपनी खाल बचा रहे हो? तब चिल्लाओगे जब चिल्लाने को समय नहीं रहेगा। हम सब जानते हैं ये मोदी तो एक पपेट है, ये किसी का बाबू है, किसी का चपरासी है। इसके आकाओं के हाथ बड़े लंबे हैं और वे आकाएं किसके बल पर बलबूते पर कूद रहे हैं, वो इनके बलबूते पर कूद रहे हैं। इन लोगों के, इन सबको पता नहीं किस अंधे कुएं में गिरने जा रहे हैं। हे भगवान, इनको सद्बुद्धि दो, इनको सद्बुद्धि दो। यही तानाशाही मोदी को सत्ता से दूर कर देगी। अरे भाई संजय भाई, तुम ऐसे बोल रहे हो और क्या बोलेंगे। यही तानाशाही मोदी को सत्ता से दूर नहीं करेगी। यही तानाशाही देश के 140 करोड़ लोगों को फांसी का फंदा पर चढ़ा देगी। इसका बेचारे का क्या है, इसकी तो बात नहीं करनी चाहिए, उसका दोष ही क्या है, उस मोदी का दोष ही क्या है? ये तो ऐसे हुआ जैसे कि कीकर के पेड़ पर से आप आम तोड़ने की कोशिश कर रहे हो। उस बेचारे कीकर का पेड़ का क्या दोष है, वो वही तो देगा जो उसके पास है। ये गलवान घाटी, ये बॉर्डर्स, ये किसान 13 महीने तक बॉर्डर पर बैठे, ये कोरोना वायरस, ये जंतर मंतर पर बैठी थी पहलवान बेटियाँ, ये मणिपुर, यह नू, यह वह, यह वह, ये क्या होगा? ये आग कहाँ तक फैलेगी? ये आग सब तक फैलेगी। सेंट्रल इंडिया से लेकर ये नॉर्थ इंडिया पूरे में फैलेगी। सेंट्रल इंडिया से लेकर ये नॉर्थ इंडिया सब जगह फैलेगी। क्या ये जरूर फैलेगी? क्या ये जरूर फैलेगी? उत्तर है एज श्योर एज डेथ। हाँ ये जरूर फैलेगी, इट इज एज श्योर एज डेथ। उसके बाद इमरजेंसी लगेगी, वार का रिहर्सल होगी, मिलिट्री रूल लगाएंगे, कोशिश करेंगे का ड्रामा करेंगे। उसके बाद साथ साथ NWO का प्रोग्राम चलेगा, फिर ज़्यादा आग भड़केगी, फिर ज़्यादा आग भड़केगी, फिर ये आग इतनी तेज़ हो जाएगी कि ये उन्हीं को जलाकर खाक कर देगी, ये उन्हीं को जलाकर खाक कर देगी जो इसके जनक हैं। तब तक खाक करती रहेगी जब तक कि लोगों का दिमाग सही नहीं हो जाता या सब भस्म नहीं हो जाते। लोगों को इसका पता नहीं है, अपने जोश जोश में फुदक रहे हैं। तब लोगों को मिशन ग्रेट इंडिया के ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट का पता चलेगा, समझ में आएगा, तब उसे पढ़ा जाएगा, तब उस पर अमल किया जाएगा, तब कोई शांति आएगी। लेकिन तब तक तो बहुत तबाही हो चुकी होगी। का वर्षा जब कृषि सुखाने, लेकिन लगता है इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। इस सभी विभिषिका को देख करके हम एक प्रोग्राम चला रहे हैं पी, उसका नाम है प्रेयर।
लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, अकेली प्रेरणा से बहुत कम होता है। प्रेयर यद्यपि, प्रार्थना यद्यपि अद्भुत चीज है, इट कैन रिमूव द माउंटेन्स, इट इज मोर पावरफुल देन एटॉमिक पावर। लेकिन इसके दूसरे फैक्टर जो KLM जो ABCD जो भी हैं, इसमें प्रेयर में तेजी तो शक्ति तो तभी आएगी जब इसके दूसरे फैक्टर्स को भी हम साथ में रखते हैं। क्या होगा देश में? परमात्मा मुझे कह रहा है, देव शक्तियां कह रही हैं, मंगल क्यों परेशान होते हो? जो बोया है वह उग रहा है और उगेगा, वही काटना पड़ेगा, वही भुगतना पड़ेगा, वही खाना पड़ेगा, इसमें क्या चिंता करते हो? और जो दोषी नहीं है वो निश्चित ही बच जाएंगे, लेकिन मुझसे तो दूसरों की करुण क्रंदन भी नहीं देखा जाता, नहीं सुना जाता, इसलिए मेरी हालत बहुत पतली है। अपनी सुरक्षा तो सुरक्षा है ही, चारों तरफ कोए में भंग पड़ी है, लोग पागल हो गए हैं। अरे कोई भी तो नहीं निकलता, और जो थोड़े से निकलते हैं उनकी कोई सुनता नहीं है। क्या हो रहा है बॉर्डर्स पर, किसानों पर? कोरोना वेव टू, जंतर मंतर पर पहलवान बेटियां, मणिपुर नू, ये कहाँ तक आग फैलेगी? ये पूरे देश में फैलेगी, ये तब तक फैलेगी जब तक कि ये अपने क्रिएटर्स को ही, जनक को ही जलाकर खाक नहीं कर देगी। यही इस देश की नियति है। आप और हम क्या करें? मिशन ग्रेट इंडिया का ग्रेट इंडिया डॉक्यूमेंट चलाओ, प्रार्थना सभा करो, ये करो वह करो, लेकिन जो बोया है वह तो काटना ही पड़ेगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।